नमस्कार दोस्तों, trucksbuses.com पे आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे मुकाबला डीजल मिनी ट्रक्स का। एक है टाटा एस गोल्ड और दूसरा है महिंद्रा की ओर से हाल ही में लॉन्च किया गया सुप्रो प्रॉफिट ट्रक मिनी। तो अगर आप भी कोई मिनी ट्रक खरीदना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो पे हर एक पहलू पे डिटेल में बात करेंगे, चाहे वो गाड़ी के फीचर्स हों, माइलेज हो, मेंटेनेंस रखरखाव हो, रीसेल वैल्यू हो। This is going to be the most exhaustive video ever. तो आइए शुरुआत करते हैं। ये है टाटा एस गोल्ड, छोटा हाथी के नाम से बहुत मशहूर हुआ। 2005 में पहली बार कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की थी और आज भारतीय सड़कों पे लगभग 23 लाख गाड़ियां दौड़ रही हैं। इस ओर आपको एस की ब्रांडिंग मिलेगी और इस ओर गोल्ड की ब्रांडिंग। ओवरऑल बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, सिंपलिसिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया हमें कहना होगा। ग्रिल अच्छी स्माइली शेप की ग्रिल है, इसके बीचों बीच टाटा का लोगो है, राउंड हेडलैम्प्स, यहाँ पे भी सिंपलिसिटी और अलग से इंडिकेटर। ब्लैक कलर में आपको बम्पर मिलेगा, बड़ी विंडशील्ड है अच्छे पैनोरामिक व्यू के लिए और दो वाइपर्स यहाँ पे कंपनी ने इस पे दिए हैं। प्योर वाइट कलर में केबिन दिया गया है। दरवाजे पे अगर नज़र डालें तो आर्चेज हैं, कट्स हैं, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। साइड में आपको दोनों ओर इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। और यहाँ अगर महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक की बात करें, साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो हल्का सा सेमी पावर डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो क्लियर लेंस हेडलैम्प्स हैं, इंटीग्रेटेड हेडलैम्प्स हैं रैप अराउंड टाइप, इसी के अंदर इंडिकेटर है, बोल्ड फ्रंट लुक है। इस ओर महिंद्रा की ब्रांडिंग, उधर सुप्रो प्रॉफिट ट्रक की ब्रांडिंग, बीच में महिंद्रा का लोगो और सिमिलरली फाइबर मटेरियल का ब्लैक कलर बम्पर यहाँ पे भी दिया गया है। बड़ी विंडशील्ड है, दो वाइपर्स यहाँ पे भी और दोनों ओर रियर व्यू मिरर्स दिए गए हैं। इसके अलावा साइड इंडिकेटर्स भी दोनों ओर दिए गए हैं। इंजन ड्राइव लाइन की बात करें तो टाटा इसमें आपको दो सिलेंडर 702 सीसी वाला इंजन मिलेगा जो 20 हॉर्स पावर की ताकत देता है। इसके मुकाबले महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक के अंदर बड़ा 909 सीसी का दो सिलेंडर इंजन लगा है। बड़ा इंजन होने के कारण आपको माइलेज में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मार्केट फीडबैक्स के अनुसार आपको टाटा इसमें लगभग 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलेगी। वहीं इसके मुकाबले सुप्रो में आपको 15 से 16 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज की उम्मीद आप कर सकते हैं। दोनों ही मिनी ट्रक्स में 30 लीटर का डीजल टैंक लगा है, तो इसका मतलब ये भी है कि एक बार डीजल टैंक टॉप अप करने के बाद आप टाटा इसमें लगभग 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल सकते हैं बिना दोबारा रिफ्यूलिंग के। आइए बात करते हैं दोनों के मेंटेनेंस और रखरखाव पे। दोनों ही गाड़ियों को आपको 10,000 किलोमीटर के अंतराल पे सर्विस करवाना होगा। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी या मैकेनिक अवेलेबिलिटी की बात करें तो टाटा मोटर्स नंबर वन प्लेयर है कमर्शियल व्हीकल्स में। इसका सर्विस नेटवर्क, डीलर नेटवर्क बहुत बड़ा है, सो दिस फैक्टर गोज इन फेवर ऑफ टाटा एस। हम बैठे हैं एस गोल्ड में। काफी स्पेशियस ये केबिन है, कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट केबिन है। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशन इस केबिन को देने की कोशिश की गई है। बढ़िया डैशबोर्ड, यूटिलिटी स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे। यहाँ पे भी USB चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे लॉकेबल ग्लोव बॉक्स है, ये काफी गहरा है। पावर बटन, अगर गाड़ी लोडेड है, गाड़ी को पावर ज़्यादा चाहिए, ताकत ज़्यादा चाहिए, ओवरलोडेड गाड़ी है, तो उसके इसमें पावर बटन को दबा के आप एक्स्ट्रा गाड़ी से ताकत ले सकते हैं। प्लेन फर्श है इसका, बीच में पेपीसा 4-स्पीड गियरबॉक्स का गियर लीवर, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक है, दो लोगों के बैठने की यहाँ पे ओवरऑल जगह है। ड्राइवर सीट को आप आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर रूफ टॉप की भी बात करो तो क्लैडिंग बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सफाई से यहाँ पे क्लैडिंग की गई है। नाइट लैंप है, विंडशील्ड के ऊपर ही पेस्टेड रियर व्यू मिरर है, बढ़िया हवा के वेंटिलेशन के लिए और पीछे की ओर देखने के लिए स्लाइडिंग विंडो है पीछे की ओर, बॉटल होल्डर यहाँ पे और कुछ कागज़ वगैरह अगर आपको रखने हो तो यहाँ पे। बीचों बीच आपका इसके नीचे इंजन है जहाँ से आप इसकी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। सीट का मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन कुशनिंग दी गई है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और ड्राइवर कंडक्टर दोनों के लिए ही सीट बेल्ट भी दिए गए हैं। स्टीयरिंग, टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है,
सामने मेरे बहुत ही खूबसूरत कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से पहली बार डिजिटल ही, इसमें स्पीडोमीटर है, इसमें आपको फ्यूल गेज मिलेगा, डेफ गेज भी मिलेगा इस गाड़ी में, क्योंकि एडब्लू डलता है तो डेफ गेज भी इसमें आपको मिलेगा। एक डिजिटल क्लॉक भी है, एक काफ़ी इनोवेटिव फीचर इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में GSA के नाम से, यानी कि गियर शिफ्ट एडवाइज़र। ये कैसे काम करता है कि गाड़ी की स्पीड और गाड़ी में लोड के बेसिस पे ये आपको निरंतर गाइड करता रहता है कि आपको गियर अप करना है या गियर डाउन करना है। इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ती है और साथ ही साथ माइलेज भी बढ़ती है। ये है महिंद्रा सुप्रो के इंटीरियर्स। ड्यूअल टोन यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन कंपनी ने देने की कोशिश की है। ऊपर बहुत अच्छी रूफ क्लैडिंग है, नाइट लैंप यहाँ पे, रियर व्यू मिरर यहाँ पे, अगर डैशबोर्ड पे आप देखेंगे तो यूटिलिटी स्पेस यहाँ पे, प्लस लॉकेबल ग्लव बॉक्स है। इसके नीचे उस ओर को ड्राइवर की तरफ जैक रखने के लिए जगह है। छोटा सा स्पेस यहाँ पे भी जहाँ पे आप अपने कार्ड या फ़ोन रख सकते हो। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। ये डिजिटल क्लॉक कंपनी फिटेड है, प्लस ये फॉल्ट कोड भी आपको दर्शा देती है। अगर इंजन में गाड़ी में कुछ इशू आ जाता है तो यहाँ पे फॉल्ट कोड्स गाड़ी के दिख जाते हैं। 4-speed गियरबॉक्स का गियर लीवर, दोनों सीटों के बीचों बीच पार्किंग ब्रेक है, और बॉटल होल्डर का प्रावधान यहाँ पे कुछ अलग तरीके से फ्लोर के ऊपर दिया गया है। 2 बॉटल होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं कंपनी के द्वारा। पीछे की ओर स्लाइडिंग विंडो है, ये पीछे देखने के साथ साथ केबिन के अंदर हवा का सर्कुलेशन बढ़ाती है। ड्राइवर की सीट आगे पीछे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये टिल्टेबल भी है। सीट्स के ऊपर हमें कहना होगा कि महिंद्रा सुप्रो में भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है, मटेरियल भी अच्छा है, प्लस कुशनिंग भी अच्छी है। मेरे सामने 2-spoke स्टेयरिंग व्हील है। दोनों ही गाड़ियों में ये मैकेनिकल टाइप आता है, पावर स्टेयरिंग इस सेगमेंट में नहीं आता है। सामने एक खूबसूरत सिंपल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्पीडोमीटर है इसमें सुई वाला, और लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल गेज मिलेगा, राइट साइड में इंजन टेम्परेचर दर्शाएगा, और बीच में एक छोटी सी एलईडी डिस्प्ले है जो कि ओडोमीटर रीडिंग दर्शाता है। ओवरऑल अगर केबिन की बात करें तो इंटीरियर इसके भी काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि 6 मेरी हाइट है, हल्का सा लेग स्पेस का इशू मैं फेस कर रहा हूँ, हल्का सा केबिन क्रैम्प्ड है, जो कि टाटा इसमें मुझे स्पेस के मामले में महसूस नहीं हो रहा था। ये दोनों ही मिनी ट्रक्स सब 1-ton कैटेगरी के हैं। हालांकि मार्केट प्रैक्टिस में आमतौर पर लोग इनमें 1.25 ton से लेके 1.5 ton और 2 ton तक भी अमूमन लोड करते हैं। पीछे की ओर नजर डालें तो टाटा इसमें आपको 7 feet 2 inch लंबा डाला मिल जाता है, वहीं महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक मिनी में आपको 7 feet 4 inch का डाला मिलता है। हालांकि हमारे पास जो गाड़ी मौजूद है, ये मालिक ने बाहर से इसको 1 feet लंबा बनवाया हुआ है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आगे और पीछे सादा पट्टा कमानी दी गई है, रिजिड सस्पेंशन आप इसे कह सकते हैं, जिसके कारण मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है, टायर अलाइनमेंट और टायर वियर के प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। व्हील बेस यानी कि अगले टायर के सेंटर से लेके पिछले टायर के सेंटर की दूरी, महिंद्रा सुप्रो में ये 1950 mm का व्हील बेस है, और इसके मुकाबले टाटा एस में 2100 mm का लंबा व्हील बेस है। लंबा व्हील बेस होने के कारण गाड़ी में लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इवन होता है और गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस लंबा व्हील बेस होने के बावजूद टाटा एस की खासियत एक ये भी है कि टर्निंग सर्कल रेडियस, यानी कि कितने छोटे से छोटे सर्कल में गाड़ी मुड़ जाएगी, 4.7 मीटर के टर्निंग सर्कल रेडियस के मुकाबले टाटा एस का टर्निंग सर्कल रेडियस 10% कम है, 4.3 मीटर का है। इसका मतलब ये है कि शहर की तंग गलियों में, डेंस ट्रैफिक में बड़ी आसानी से आप इसे नेविगेट कर सकते हैं। बारीकी से अगर दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन पर नज़र डालें और रियर ओवरहैंग पर नज़र डालें, यानी पिछले टायर के सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी, तो इसमें टाटा एस में आपको 720 mm का रियर ओवरहैंग मिलता है। इसके मुकाबले महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक में आपको कहीं लंबा रियर ओवरहैंग मिलता है। ज़्यादा लंबा रियर ओवरहैंग होने के कारण गाड़ी में अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टायर वियर की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ज़्यादा लोड के अंदर पीछे से गाड़ी दबी हुई और आगे से आपको उठी हुई नज़र आएगी। इससे स्टेरेबिलिटी के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ता है। गाड़ी के नीचे चैसी, जिसे आप नींव के तौर पर समझ सकते हैं, टाटा इसमें आपको फ्लैट चैसी मिलेगा, उसके मुकाबले महिंद्रा प्रॉफिट ट्रक में आपको 2 हिस्सों में चैसी मिलेगा, आगे की ओर नीचे है और पीछे की ओर आप देख सकते हैं ऊंचा चैसी है, जमीन से काफ़ी ऊंचा है, जिसके कारण गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा हो जाता है। हाई स्पीड एवं टर्निंग्स के दौरान गाड़ी की स्टेबिलिटी इसके मुकाबले कम रहेगी। एक बहुत बड़ा फैक्टर गाड़ी खरीदते टाइम ये भी होता है
कि अगर 4 साल 5 साल बाद गाड़ी बेची जाए तो उसकी रीसेल वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि 23 लाख टाटा एस ऑलरेडी भारतीय सड़कों पे दौड़ रहे हैं, तो इसकी रीसेल वैल्यू महिंद्रा सुप्रो के मुकाबले लगभग 20-30% ज़्यादा होनी चाहिए। कीमत की अगर बात करें तो महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक की एक्स शोरूम कीमत 5,72,000 रुपये रखी गई है, वहीं टाटा एस गोल्ड डीजल की कीमत 5,68,000 रुपये रखी गई है। बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर्स के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर बात भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला वीडियो कौन सा देखना पसंद करेंगे ये भी हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।